नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन मेजेरियम के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको दिमाग रूप से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन मेजेरियम एस्पर्ज ऑलिव के सिम्टम। चरम रोगों के लक्षणों से पीड़ित रोगी, हड्डियों से संबंधित रोग से पीड़ित रोगी, स्नायुशूल यानी नाड़ियों में दर्द से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। दांत और चेहरे के आसपास के रोगग्रस्त भाग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि काफी उपयोगी है। चरम रोगों के लक्षणों से पीड़ित रोगी, हड्डियों से संबंधित रोग से पीड़ित रोगी, स्नायुशूल यानी नाड़ियों में दर्द से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का उपयोग किया जाता है। दांत और चेहरे के आसपास के रोगग्रस्त भाग को ठीक करने के लिए भी मेजेरियम औषधि काफी उपयोगी है। रोगी की हड्डियों में कुचलने जैसा दर्द हो रहा हो तथा थकावट महसूस हो रही हो और पूरे शरीर में खिंचाव तथा आकलन हो रही हो तो इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के कई अंगों में दर्द होने के साथ ही अधिक ठंड लग रही हो तथा ठंड के प्रति रोगी अधिक संवेदनशील हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का उपयोग करना काफी फायदेमंद होता है। हड्डियों में दर्द टीका लगाने से उत्पन्न रोग, मांसपेशियों में जलन और तीर लगने जैसा दर्द हो, मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा हो, शरीर में अचानक से झटके लग रहे हो, दर्द का असर गोली की तरह ऊपर से नीचे की ओर दौड़ता है और रोगी बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो उसके रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। मेजेरियम औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों के रोग को ठीक करने में काफी उपयोगी है, जैसे सिर तथा दांत से संबंधित लक्षण। सिर में तेज दर्द होता है तथा दर्द के कारण रोगी को किसी से बात करना कठिन हो जाता है और जब रोगी किसी से बात करता है तो दर्द और भी तेज हो जाता है। रोगी जब किसी से बात करता है तो दर्द और भी तेज होने लगता है। सिर के दाईं ओर अधिक दर्द होता है। सिर के बाहरी भाग पर घाव हो गया हो तथा पपड़ी जम गई हो और पपड़ी का रंग सफेद हो, सिर मोटी मोटी चमड़ी जैसी पपड़ियों से ढका हुआ हो तथा इन पपड़ियों के नीचे पीप जमती है जिसके कारण सिर में तेज दर्द होता है, चेहरे और दांत के आसपास की नाड़ियों में तेज दर्द होता है और दर्द का असर रात के समय में कान की ओर दौड़ता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी जब खाना खाता है तो वह तेज दर्द होता है और जब चूल्हे के पास बैठता है तो उसे कुछ आराम मिलता है, दांतों के जड़ों में घाव होना तथा पीप बनना और दांत में तेज दर्द होना और रोगी को ऐसा महसूस होना कि जैसे कि दांत अधिक लंबे हो गए हों। इस प्रकार के सिर और दांत से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी रोगी को हो गया है उसके रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का उपयोग काफी श्रेयस्कर होता है। नाक से संबंधित लक्षण, रोगी को अधिक छींकें आती है, सर्दी होने के साथ ही नाक की अंदरूनी सतह छिल जाती है और नाक की पश्चनासा ग्रंथियां बढ़ जाती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। कान से संबंधित लक्षण, रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे हवा तेज चल रहा हो, कनपट्टी पर हवा लग रहा हो तथा हवा कान से अंदर की ओर बह रही हो और उसके साथ ही कान में उंगली से कुरंदे रहने की इच्छा होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। आंख से संबंधित लक्षण,
आँख की रोमक पेशियों की नाड़ियों में दर्द होता है, विशेषकर नेत्र गोलक निकाल दिए जाने के बाद अधिक होता है। दर्द आंखों के चारों ओर फैल जाता है तथा नीचे की ओर दर्द दौड़ती हुई महसूस होती है तथा उसके साथ ही ठंड महसूस होती है और हड्डियां अकड़ जाती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का प्रयोग काफी फायदेमंद होता है। चेहरे से संबंधित लक्षण, रोगी का चेहरा लाल हो जाता है, मुंह के चारों ओर घाव हो जाता है तथा उसके साथ ही जुकाम भी हो जाता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अमाशय संबंधित लक्षण, रोगी के जीभ में जलन होती है जो अमाशय तक फैल जाती है, मुंह में पानी भरा रहता है, गले में जी मिचलाता है जो खाना खाने के बाद ठीक हो जाता है। इन लक्षणों को होने के साथ ही रोगी को सुअर की चर्बी खाने की इच्छा होती है। पाचन तंत्र में सूजन होना तथा जलन होने के साथ ही दर्द होना, उल्टियां होना और जी मिचलाना, पेट में घाव होना तथा उसके साथ ही जलन भी होना, इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो उसके रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पेट से संबंधित लक्षण, रोगी के बच्चों की ग्रंथियां सूज जाती है तथा पेट बड़ा सा महसूस होता है तो छाती पर दबाव महसूस होता है, पेट में दर्द भी होता है और सांस लेने में परेशानी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का प्रयोग करना काफी फायदेमंद होता है। मलद्वार से संबंधित लक्षण, रोगियों को कब्ज की शिकायत रहती है तथा मलद्वार में चुभन सी महसूस होती है, अतिसार यानी दस्त होने के साथ ही मल के साथ छोटे छोटे सफेद कण भी आते हैं और हरे रंग का पदार्थ भी आने लगता है। कब्ज की समस्या रहने के साथ ही यकृत और गर्भाशय की ऊपरी झिल्ली निष्क्रिय यानी अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करना हो जाती है। मलद्वार से सिकुड़न होती है, मलद्वार में सिकुड़न भी होती है तथा सुई कटने जैसा दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो उसके रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का सेवन करना उचित होता है। मूत्र से संबंधित लक्षण, जब रोगी पेशाब करता है तो पेशाब के सतह पर लाल पपड़ियां जम तैरती हैं। पेशाब गर्म तथा रक्तयुक्त यानी पेशाब में खून की कुछ मात्रा भी मिला हुआ आता है। जब पेशाब करते समय पेशाब की अंतिम बूंद निकलती है तो दर्द तथा जलन होता है, मूत्राशय में एंटर होने लगती है, कई बार तो खून की बूंदें भी गिरती हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का प्रयोग करना काफी श्रेयस्कर रहता है। स्त्री रोग, स्त्री रोग से संबंधित लक्षण, स्त्री रोग रोगी को मासिक धर्म समय में बार बार अधिक मात्रा में श्राव होने लगता है तथा श्राव में अन्य जैसा पदार्थ भी आता है। श्राव इतना तेज होता है कि उसे त्वचा छिल जाती है। इस प्रकार लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजोरियम औषधि का प्रयोग काफी लाभदायक होता है। पुरुष रोग, पुरुष रोग से संबंधित लक्षण, अंडकोश में वृद्धि हो जाती है और उसके साथ ही रोगी को संभोग के प्रति अधिक उत्तेजना होती है। सुजाक रोग होने के साथ ही रक्तमय हो जाता है। इस प्रकार लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का प्रयोग करना काफी लाभदायक रहता है। सांस से संबंधित लक्षण, रोगी की छाती में दर्द होता है तथा जलन भी होती है, छाती के आर पार सिकुड़न होती है, खांसी हो जाती है और जब रोगी खाना खाता है तो खांसी अधिक बढ़ जाती है तथा गर्म पेय पदार्थ पीने से कुछ आराम मिलता है ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजेरियम औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, रोगी के गर्दन और पीठ में दर्द होता है, हिलने डुलने पर व रात को अधिक दर्द होता है तथा दर्द वाले भाग को छूने पर दर्द होता है। टीबिया और दीर्घास्थियों में दर्द जलन होती है और दर्द भी होता है।
पैर सो जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि नितंब और घुटने में ऐसा महसूस होता है कि नितंब और घुटने में दर्द भी होता है। इस प्रकार के लक्षण में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसकी रोग को ठीक करने के लिए मेजरी मौजे का प्रयोग करना श्रेयस्कर रहता है। चर्म रोगों से संबंधित लक्षण, अकौता रोग होने के साथ ही खुजली होती है तथा ठंड लगने के साथ ही खुजली तेज होती है। बिस्तर में रहने से खुजली और भी तेज हो जाती है। त्वचा पर घाव होने के साथ ही खुजली होती है तथा जलन भी होती है। घाव में चारों ओर छाले पड़ जाते हैं। घाव न आग जैसी लाल रहती है। दाद होने के साथ ही जलन और दर्द भी होता है। शरीर की कई हड्डियां लंबी महसूस होती है तथा उसमें जलन भी महसूस होती है। सूजन आ जाती है, जल्दी ठीक नहीं होता है। सूजन जल्दी नहीं ठीक होता। रात के समय में तथा घाव को छूने पर अधिक परेशानी होती है और घाव के आसपास मोटी पपड़ियाँ जम जाती हैं। उसके नीचे से पीप जैसा पदार्थ बहता रहता है। इस प्रकार के चर्म रोग संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मेजरी मौजे का प्रयोग करना चाहिए। खांसी से संबंधित लक्षण, खांसी से संबंधित लक्षण, खांसी हो जाती है तथा जब रोगी खाना खाता है उसके बाद रोगी को तब तक खांसी होती रहती है जब तक कि खाया हुआ खाना उल्टी के साथ बाहर ना आ जाए। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेजरी मौजे का प्रयोग करना चाहिए। टीका से संबंधित लक्षण, टीका लगने के बाद एक्जिमा रोग, टीका लगने के बाद एक्जिमा रोग होना या फुंसियाँ होने पर मेजरिया मौजे से उपचार करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के एक्जिमा रोग से पीड़ित रोगी के रोगग्रस्त भाग में चिपचिपा पदार्थ बहता रहता है और तेज खुजली होती रहती है। वृद्धि एग्रेवेशन, ठंडी हवा से रात के समय में शाम से लेकर आधी रात तक और गर्म पदार्थों के सेवन से तथा छूने से रोग लक्षण में वृद्धि होती है। शमन एमेलियोरेशन, खुली हवा में रहने से रोग लक्षण नष्ट होने लगते हैं। शमन रिलेशन, काष्टिकम रस तथा फाइटो और भी कुछ गुणों की तुलना मेजरिया मौजे से कर सकते हैं। मात्रा डोजेज, मेजरिया मौजे की 6 से 30 शक्ति का प्रयोग रोग लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर तत्व जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।